सदर सांसद रवि किशन ने रविवार को अलीनगर में स्थित रामवृक्ष स्वीट एंड शॉप के नए प्रतिष्ठान का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में रामवृक्ष की यही पहचान है कि जो कि विगत 30 सालों से कैटर्स के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और मेरे चुनाव में 400-500 लोग प्रतिदिन भोजन करते थे, सभी को स्वादिष्ट भोजन मिलता था। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी सभी लोगों को भोजन इन्हीं के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, वो चाहे 20,000 हो या 50,000 हो, सभी को पूरा करते थे जो कि स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाते हैं। इनके द्वारा अब नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है, ये बताता है कि गोरखपुर कैसे तरक्की कर रहा है और यहाँ के व्यवसायी कैसे तरक्की करते हैं, क्योंकि ये राम राज है, हमारे मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। वहीं इस संबंध में प्रतिष्ठान के मालिक रामवृक्ष ने बताया कि हम इससे पहले कैटर्स के रूप में नागरिकों के लिए सेवा दे रहे थे, अब प्रतिष्ठान के माध्यम से नागरिकों के लिए सेवा देंगे। हमारे यहां सभी तरह की मिठाई उपलब्ध है, इसलिए एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक असीम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन, प्रतिष्ठा के मालिक रामवृक्ष ने कहा, रामवृक्ष जी की यही पहचान है जो हमको डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने, प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक जी ने बताई और जो मैं स्वयं जानता हूँ। मेरे चुनाव में रोज 400-500 लोग भोजन करते थे कार्यकर्तागण, और उन लोगों को इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता था। जितनी बड़ी बड़ी शादी या महाराज जी पूज्य महाराज जी का अगर कोई लंगर या कार्यक्रम हो तो रामवृक्ष जी के यहाँ से, ये एक शक्तिशाली क्षमता वाले व्यक्ति हैं कि अगर 20,000 लोगों का या 30,000 लोगों का भोजन अचानक अगर प्लान बन जाए कि आज करवाना है कोई कार्यक्रम, तो रामवृक्ष जी एकदम वृक्ष की तरह खड़े हो जाते हैं और इनकी भोजन की छाया सबको मिलती है। इन्होंने स्वादिष्ट एकदम आज ये खोला है, बड़ा हाईटेक किसी दिल्ली या बॉम्बे की तरह ये शॉप, ये बताता है कि गोरखपुर कैसे तरक्की कर रहा है और गोरखपुर का हर व्यवसायी कितना सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है। पूज्य महाराज जी को उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी कानून व्यवस्था है कि हर व्यापारी अब खुल के पैसा लगा रहा है और सबका पैसा अब दिखाई दे रहा है। पहले सब लोग पैसा सपा की सरकार में छिपा के रखते थे, लोग जूता नहीं पहनते थे, रबड़ की चप्पल में चलते थे डर के मारे कि किडनैप ना हो जाए, गाड़ी नहीं खरीदते थे, सब फटा हुआ कपड़ा पहन के चलते थे। अब इसी को रामराज जी कहते हैं। हम एक मीठा दुकान खोल रहे हैं, एड्रेस के रूप में बहुत प्यार मिला है, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा अलग मीठा बनवाए, जनता को हमको प्यार मिलना चाहिए। और एक तो टोटल मीठा जो है देसी घी का है और क्वालिटी जो भी हम कह रहे हैं कि अपने तरफ से तो हम अच्छा सोच रहे हैं कि अच्छा बनाए, जनता को पसंद आए जी। टोटल जो भी मीठा पूर्वांचल में चलता है वो टोटल मिलेगा, मेवा से लगाए मैदा तक मिठाई मिलेगी, विदाई तक और जो नाश्ता पाने टोटल मीठा मिलेगा। अभी जैसे मोटा मिठाई मतलब लड़की की विदाई होती है तो उसमें ये कहीं नहीं मिलता है, तो हम उसके लिए खाजा बतासा लड्डू ये सब हम रखे हैं कि सबको दिक्कत न हो, जनता को कोई दिक्कत न हो, हम सब सेवा दे सकते हैं।